जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुग्रीव, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शानदार 2BHK का फ्लैट लेकर आया हूं। रिसेंटली दोस्तों हम लोगों ने ये सैंपल फ्लैट रेडी किया है। 60 स्क्वायर यार्ड के स्लैब एरिया में आपको ये 2BHK का फ्लैट मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों, इसकी जो लोकेशन है ये काफी अच्छी है। मनसाराम पार्क का ये एरिया है, जो कि द्वारका बोर्ड मेट्रो स्टेशन से मैक्सिमम 350 या 400 मीटर के डिस्टेंस पर है। मेन मेट्रो लाइन से दोस्तों काफी नजदीक हमारी ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 200 या 250 मीटर के डिस्टेंस पर है। द्वारका, मेन द्वारका दोस्तों, वो यहां से मैक्सिमम 1 या 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और इसके अलावा दोस्तों, इस लोकेशन पर आपको आपकी डेली नीड की सारी जरूरत की चीजें मिल जाती हैं। आपको स्कूल नजदीक मिलते हैं दोस्तों, आपको हॉस्पिटल नजदीक मिलते हैं, मार्केट नजदीक मिलती है, बैंक नजदीक मिलते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, ये लोकेशन काफी प्राइम है, यहाँ की जेंट्री काफी अच्छी है। जब आप यहाँ आएंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको ये लोकेशन और ये एरिया बहुत पसंद आने वाला है। इस बिल्डिंग में जो हमारी फ्रंट की लेन है वो 30 फीट की है, और जो बैक की लेन है दोस्तों वो 10 फीट की है। इसके अलावा दोस्तों, इस बिल्डिंग में लिफ्ट भी है, गाड़ी की पार्किंग भी है, और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, तो लोन भी आप इजीली ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक शानदार सी विजिट आपके इस 2BHK फ्लैट की। यहां से एंट्री है दोस्तों आपके इस शानदार लग्जरी 2BHK फ्लैट की। और एंटर करने के बाद सबसे पहले आप पहुंचते हैं आपके लिविंग स्पेस के अंदर। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि लिविंग स्पेस का शानदार होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपके जो गेस्ट आते हैं या फिर आप खुद भी दोस्तों, मैक्सिमम टाइम अपना लिविंग स्पेस के अंदर ही स्पेंड करते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि यू टाइप का सोफा लगाने के लिए आपको काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। आपके जो लिविंग स्पेस का साइज है दोस्तों, वो ऑलमोस्ट 15 फीट बाय 10 फीट का है, तो काफी अच्छा और वेल मैनेज दोस्तों आपको ये साइज मिलता है। यू टाइप का आप यहां पर सोफा लगा सकते हैं। सोफे के ठीक पीछे आप देखेंगे कि आपको डिजाइनर वर्क मिलता है दोस्तों। और इसके अलावा इस तरफ भी आप देखेंगे कि एक वॉल पर हम आपको डिजाइनर वर्क करवा कर देते हैं। सीलिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो यहां पर जो सीलिंग का डिजाइन हमने बनाया है, ये हमारे बाकी फ्लैट्स के मुकाबले थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट हमने दिया है। और आप देख सकते हैं कि बेहद ही प्यारा और शानदार सीलिंग का डिजाइन आपको यहां पर मिलता है, विद LED लाइट, विद फॉग लाइट, और दोस्तों एक बहुत प्यारा सा शैंडलियर और फैन भी हम आपको यहां पर लगा कर देंगे। अगर हम बात करते हैं हमारी फ्लोरिंग की, तो फ्लोरिंग भी दोस्तों गुरु महादेव रियल एस्टेट के हर फ्लैट की तरह यहां भी आपको डिजिटल टाइल्स मिलती हैं। हाई ग्लोस की टाइल्स है दोस्तों, और स्क्रेचलेस की टाइल्स होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, सालों साल किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं आने वाली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे LED पैनल की, तो सोफे के ठीक सामने बिल्कुल परफेक्ट जगह दोस्तों आपको LED पैनल मिलता है। और ये LED पैनल काफी बड़े साइज का है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर अगर आप चाहते हैं तो बड़े साइज का TV भी दोस्तों आप इजीली लगा सकते हैं। और इस पूरे TV पैनल का जो डिजाइनिंग पार्ट है दोस्तों, ये भी आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलता है। यहां पर आपको प्लेन सरफेस मिलता है दोस्तों, जबकि यहां पर आपको, आप देखेंगे कि आपको डिजाइनर लुक मिलती है। नीचे आपको 2 ड्रॉज मिलती है, ओपन शेल्फ मिलती है, और यहां पर दोस्तों आपको मिल जाता है स्विच एंड सॉकेट। और ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे कि आपको नीच मिलती है विद फोकस लाइट, जिसे कि कोई भी डेकोरेटिव आइटम आप यहां पर इजीली रख सकते हैं। तो पूरा लिविंग स्पेस दोस्तों ना केवल स्पेशियस है, बल्कि बिल्कुल परफेक्टली वेल मैनेज भी है। यहां आप देखेंगे कि आपको AC की फिटिंग मिलती है, आपको इंडोर एंड आउटडोर ही सिर्फ इंस्टॉल यहां पर करना है। तो ये है दोस्तों आपका लिविंग स्पेस, जो कि साइज के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों, सोफे की प्लेसमेंट के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, और सोफे के ठीक सामने आपको LED पैनल मिलता है, उसके लिहाज से दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है। लिविंग स्पेस के बाद अब हम बात करेंगे हमारी किचन के बारे में दोस्तों। तो यहां पर आपकी किचन है, किचन का जो साइज है ये बिल्कुल परफेक्ट आपको मिलता है। 6 फीट बाय और ऑलमोस्ट 10 फीट की दोस्तों आपको एक किचन मिलती है। और ये किचन दोस्तों एक 2BHK फ्लैट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है और इनफ है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फ्रिज के स्पेस की। तो यहां पर आपको आपका फ्रिज लगाने के लिए परफेक्ट स्पेस मिल जाता है दोस्तों। ऊपर आपको स्विच एंड सॉकेट भी यहां पर मिल जाता है। स्विच एंड सॉकेट दोस्तों जितने भी हमने हमारे फ्लैट के अंदर यूज किए हैं, वो सारे के सारे डिजाइनर आपको मिलते हैं। और हैवी ड्यूटी के दोस्तों ये स्विच एंड सॉकेट है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग है, कभी भी खराब नहीं होंगे। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें हमारी किचन की, तो किचन के अंदर L टाइप का आपको टॉप मिलता है, जो कि व्हाइट नैनो पत्थर से बनाया गया है दोस्तों। डबल मोल्डिंग का आपको वर्क मिलता है। और किचन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों,
और वो है आपकी स्टोरेज। तो इस किचन के अंदर नीचे और ऊपर दोनों तरफ आपको परफेक्ट स्टोरेज मिलती है। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर शटर्स लगा कर दिए हुए हैं दोस्तों, अंदर और बाहर आपको माइका लगा कर दी है। इसके अलावा दोस्तों ऊपर आपको फोकस लाइट मिलती है, जिससे कि जब भी आप इन शटर्स को ओपन करेंगे तो आपको अंदर परफेक्ट लाइट मिलेगी। और नीचे की तरफ भी आप देखेंगे कि हमने फोकस लाइट्स यहाँ पर दी हैं दोस्तों, जिसे अगर आप चाहें दोस्तों कि बाकी लाइट ऑफ करके आप सिर्फ ये नीचे की लाइट ही ऑन करके काम करना चाहें तो भी आप इस किचन के अंदर इजीली काम कर सकते हैं। तो हम स्टोरेज की बात कर रहे थे, तो नीचे आप देखेंगे कि आपको जो बास्केट मिलती हैं, ये हर साइज की बास्केट आपको मिल जाएंगी दोस्तों, जिससे कि छोटे और बड़े हर तरह के बर्तन क्रॉकरी रखने के लिए आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। और जितना भी दोस्तों स्टील यूज किया जाता है गुरु महादेव रियल एस्टेट के किचन के अंदर, वो सारा का सारा दोस्तों प्रीमियम क्वालिटी का रहता है। इसके अलावा बात करते हैं टाइल वर्क की, तो आप देखेंगे कि प्रॉपर टाइल वर्क आपको मिलता है तीनों तरफ, जिससे कि किचन को साफ रखने में काफी हेल्प मिलती है। इस किचन के अंदर दोस्तों जो हमारी चिमनी है ये ईस्ट फेसिंग की है, यानी कि वास्तु के लिहाज से ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है दोस्तों आपके गैस चूल्हे के रखने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं कि दो स्विच एंड सॉकेट यहाँ पर दिए गए हैं, दो स्विच एंड सॉकेट आपको यहाँ दिए गए हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते वक्त आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर मिलता है आपको आपका हैंडमेड सिंक, जो कि साउंड प्रूफ है दोस्तों, बड़े साइज का ये सिंक है, विद फ्रूट बास्केट आपको मिलता है। ऊपर दोस्तों टैप्स लगने अभी बाकी हैं, जो कि गर्म पानी, ठंडे पानी और ड्रेक पानी के टैप्स आपको मिलेंगे। और इसके अलावा ऊपर आपको आरओ और वाटर प्यूरिफायर लगाने के लिए भी दोस्तों प्रॉपर प्रोविजन मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एक टैब एक्स्ट्रा मिलता है, जिसे कि वाटर प्यूरिफायर या फिर आरओ आप इजिली यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरह भी आप देखेंगे कि आपको जो टाइल वर्क है ये लगभग दोस्तों 5 फीट की हाइट तक मिलता है। तो ये किचन दोस्तों सफिशियंट है, परफेक्ट है हर लिहाज से। किचन के बाद अब हम चलेंगे दोस्तों हमारे पहले बेडरूम की तरफ। तो ये है हमारा पहला बेडरूम, और बेडरूम का जो साइज है ये 10 फीट बाय और 10 फीट का है। इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर आपका बेड लगाने के लिए आपको परफेक्ट जगह मिलती है, यानी कि 6x6 का बेड आप यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। और बेड लगाने के बाद भी दोस्तों आपको तीनों तरफ रोम अराउंड करने के लिए एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि बेड के ठीक साथ में आपको स्विच एंड सॉकेट मिलता है, पीछे आपको एक शानदार डिजाइनर वॉल मिलती है दोस्तों, और बेड के ठीक सामने आपको मिलता है इस रूम के अंदर एक शानदार एलईडी पैनल। और एलईडी पैनल भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि डबल शेड में है, डबल डिजाइन में है। यहाँ पर आपको वुडन का पैटर्न मिलता है, और यहाँ पर दोस्तों आपको जो माइका है, जो लैमिनेट है वो मिलती है, और जो कॉम्बिनेशन है ये काफी प्यारा और अच्छा है दोस्तों। यहाँ पर डार्क ग्रे की माइका यूज की गई है, यहाँ पर लाइट ग्रे की माइका यूज की गई है, और वहां वुडन में, तो बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि आपको स्विच एंड सॉकेट मिलते हैं, नीचे आपको दो ड्रॉट मिलती है, ओपन शेल्फ मिलती है, और बड़े साइज का टीवी यहाँ भी आप इजीली लगा सकते हैं। इस रूम के अंदर जो फॉल सीलिंग का डिजाइन और पैटर्न बनाया गया है ये बिल्कुल डिफरेंट है, आपको ऐसा कहीं भी देखने को अब तक आपको नहीं मिला होगा। इवन हमारी साइड पे भी हमने ये नया डिजाइन दोस्तों बनाया है। यहाँ पर आपको एसी की फिटिंग मिलती है, आपको सिर्फ इंडोर एंड आउटडोर ही इंस्टॉल करना है। और इसके अलावा दोस्तों वेंटिलेशन की अगर बात करें तो एक छोटी सी विंडो हमने यहाँ पर दी है, जो कि आपके एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए है। तो यहाँ पर अपना एग्जॉस्ट फैन आप इजीली लगा सकते हैं, जिससे कि पूरे घर में एक एयर का सर्कुलेशन हमेशा ही बना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे हमारे अटैच वॉशरूम के बारे में। तो यहाँ पर आपको आपका अटैच वॉशरूम मिल जाता है। ये वॉशरूम दोस्तों बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें अगर टाइल वर्क की बात करें तो डिजाइनर टाइल्स का यूज किया गया है, और वो भी रूफ हाइट तक। एक तरफ दोस्तों डार्क पैटर्न की टाइल्स हैं, जबकि बाकी की तीनों ही वॉल्स पर लाइट पैटर्न यूज किया गया है। और इसमें जो फ्लोरिंग टाइल्स है दोस्तों ये भी लाइट बेस की रखी गई है, और नॉन स्लिपरी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। एक तरफ दोस्तों आपको डिजाइनर वॉश बेसिन मिलता है, एक तरफ वन पीस की शीट मिलती है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका बेडिंग एरिया। और इसके अलावा वेंटिलेशन के लिए दोस्तों एग्जॉस्ट फैन के लिए परफेक्ट स्पेस भी आपको ऊपर यहां पर मिल जाता है। तो ये है दोस्तों आपका अटैच वॉशरूम। ये दोस्तों हमारा पहला बेडरूम था, और पहले बेडरूम के बाद अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड बेडरूम के बारे में। और ये बेडरूम दोस्तों
पहले के बेडरूम से थोड़ा सा बड़ा है और इसके अंदर आपको ओपननेस ज्यादा मिलेगी, स्पेस ज्यादा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 11 फीट बाय और 10 फीट का है। यहाँ पर आपको एक तरफ बेड लगाने के लिए परफेक्ट जगह मिलती है और बेड के पीछे अगेन आपको एक शानदार डिजाइनर वॉलपेपर मिल जाता है और इसकी जो सीलिंग है दोस्तों ये भी आपको यूनिक और डिफरेंट लगेगी क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग डिजाइन आपको मिलेगा। और इसमें दोस्तों आपको एलईडी लाइट और कॉब लाइट दोनों की ही फिटिंग मिलती है, साथ में दोस्तों फैन भी हम आपको यहाँ पर लगा कर देंगे। और इस रूम के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको काफी बड़ी वार्डरोब मिलती है और वार्डरोब के साथ साथ आपको जो ड्रेसिंग टेबल है दोस्तों वो भी यहाँ पर मिल जाता है। ये जो वार्डरोब है ये स्लाइडिंग में बनाई गई है और इस तरफ से भी दोस्तों इसे आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं और काफी बड़ी और अच्छी वार्डरोब है, रूफ हाइट तक की है दोस्तों। अगर चौड़ाई की बात करें तो लगभग 5 फीट की इसकी चौड़ाई है और उसके अलावा इसके ठीक साथ में आपको मिलता है आपका ड्रेसिंग टेबल, एक तरफ आपको लुकिंग मिरर मिलता है दोस्तों और अंदर आप देखेंगे कि काफी स्पेस मिल जाता है आपका सामान रखने के लिए। बीच में आपको ओपन शेल्फ भी यहाँ पर मिलती है, नीचे एक ड्रॉर भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो काफी अच्छे तरीके से दोस्तों डिजाइन किया गया है आपके इस वार्डरोब को। इसके अलावा इस रूम में आपको वेंटिलेशन भी प्रॉपर मिलता है क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ी विंडो आपको मिल जाती है, विंडो इसे लगाने के लिए प्रोविजन आपको मिलता है, स्विच एंड सॉकेट आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों। स्विच की जगह हमने यहाँ पर MC का इस्तेमाल किया है और वो भी दोस्तों कोना की MC है, जितने भी यहाँ पर MC बॉक्स यूज किए गए हैं वो सारे के सारे दोस्तों MC कोना की है यानी कि ब्रांडेड है। इसके अलावा एक वॉशरूम आपको इस रूम के साथ भी अटैच मिल जाता है और ये वॉशरूम दोस्तों पहले के वॉशरूम के मुकाबले काफी बड़ा है। इस वॉशरूम में जब आप एंटर करते हैं तो एक तरफ आपको डिजाइनर वॉश बेसिन मिलता है दोस्तों, एरोस कंपनी का ये वॉश बेसिन है, ऊपर आपको जो फिटिंग मिलेगी ये भी दोस्तों ब्रांडेड है और बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन के साथ है और आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर बिल्कुल रेडी टू यूज है। इसके अलावा साथ में आपको कबोर्ड मिलती है जो कि वॉल हैंगिंग है और जिस कंपनी की है। इसके ऊपर आपको गीजर के लिए पॉइंट मिलता है यानी कि गीजर आप इजीली यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस वॉशरूम के अंदर दोस्तों क्योंकि बड़ा वॉशरूम है तो यहाँ पर आपको बेदिंग एरिया मिल जाता है, गेट जैसे आप क्लोज करते हैं तो पूरा 4 फीट बाय और 4 फीट का आपको यहाँ पर बेदिंग एरिया मिलता है और ये बेदिंग एरिया दोस्तों डाइवर्टर की फिटिंग के साथ है, लेटेस्ट डिजाइन के साथ है दोस्तों। और इसमें जो टाइल वर्क किया गया है आपके इस वॉशरूम के अंदर ये भी बिल्कुल डिफरेंट है और यूनिक है। रूफ हाइट तक की आपको टाइल्स मिलती है, बड़े साइज की टाइल्स लगाई गई है दोस्तों और जो गेटअप है जो लुक है आपके इस वॉशरूम की ये काफी अच्छी आपको मिलेगी। वेंटिलेशन के लिहाज से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विंडो आपको मिलती है, सनलाइट भी आपको मिलेगी और जो एग्जॉस्ट फैन है उसको लगाने के लिए भी प्रोविजन यहाँ पर आपको मिल जाता है और LED लाइट भी दोस्तों आपको आपके इस वॉशरूम के अंदर मिलती है। ये वॉशरूम दोस्तों बड़ा है, ऑलमोस्ट स्क्वायर में है तो काफी अच्छा है और यहाँ पर पानी बाहर की तरफ ना आए उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि प्रोविजन आपको मिल जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारी बालकनी की। ये दोस्तों आपकी बालकनी है और बालकनी का जो साइज है ये ऑलमोस्ट 9.5 फीट बाय और 3.5 फीट का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको डिजाइनर वर्क मिलता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी रेलिंग की, तो स्टील की रेलिंग आपकी मिलती है दोस्तों और टफन ग्लास के साथ आपको मिलती है। 304 का स्टील है तो इसमें कभी भी रस्ट नहीं लगेगा। सामने की रोड की अगर बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि बाहर की लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी साफ सुथरी रोड है, गैस के कनेक्शन यहाँ आ चुके हैं, शिवर लाइन दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगी और सामने जो ग्रीन कलर का दोस्तों कर्टन आप देख रहे हैं, जो पर्दा आप देख रहे हैं, इसे जैसे आप लोग लेफ्ट लेंगे ठीक सामने मेन मेट्रो लाइन है जो कि मैक्सिमम 200 या 250 मीटर के डिस्टेंस पर है। एलिवेशन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपको रूफ हाइट तक टाइल वर्क मिलता है और इस बिल्डिंग के अंदर दोस्तों आपको HPL शीट का काम भी मिलता है जिससे कि आपकी जो बिल्डिंग की एलिवेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। टैप मिलता है, स्विच एंड सॉकेट आपको मिलता है, पानी निकलने की जगह आपको मिलती है जिसे कि आप अपनी वॉशिंग मशीन भी यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपकी बालकनी। ये है दोस्तों आपका 2 BHK का फ्लैट जो कि 60 स्क्वायर यार्ड के स्लैब एरिया में आपको मिलता है और काफी शानदार और अच्छी लोकेशन पर दोस्तों आपका ये 2 BHK का फ्लैट है, विद लिफ्ट है, विद कार पार्किंग है, द्वारका से भी नजदीक है दोस्तों और द्वारका मोड़ से भी बिल्कुल नजदीक है। मेन रोड से बिल्कुल नजदीक होने की वजह से इसकी लोकेशन दोस्तों काफी प्राइम हो जाती है। काफी मेरे दोस्त जो कि मेन रोड से ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं जाना चाहते उनके लिए ये ऑप्शन काफी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है तो लोन भी आप यहाँ पर इजिली ले पाएंगे। ये प्रॉपर्टी दोस्तों काफी शानदार है, अंडर कंस्ट्रक्शन में ही इसमें हमारे काफी फ्लैट्स बुक हो गए हैं
कुछ ही यूनिट दोस्तों अवेलेबल है। तो दोस्तों देर ना करते हुए जल्दी से विजिट कीजिए और अपनी पसंद का फ्लैट आप इस बिल्डिंग में बुक करवा लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों गुरु महादेव रियल एस्टेट का ये साथ आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और गुरु महादेव के साथ दोस्तों इसी तरह से बने रहिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग और भी बेहतर फ्लैट्स आपके लिए बनाने वाले हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं। इन्हीं सब बातों के साथ अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।